हेलो एवरीवन, मैं सुमन गुप्ता एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड लर्न में स्वागत करती हूँ। यूँ तो साउथ इंडियन फूड की वैरायटीज़ के बारे में बताऊँ तो नंबर ऑफ लिस्ट में इसके नाम होंगे, लेकिन जब भी हम साउथ इंडियन फूड बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है इडली की तरफ। और इडली अगर ऑथेंटिक स्टाइल में बनाएंगे तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले शुरुआत करिए इसकी रवा इडली से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम रवा लिया है, यानी कि सूजी ली है, मेज़रमेंट से दो कटोरी नाप कर। यहाँ पर मैं तड़का लगाकर इडली बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने तड़के के लिए कुछ सामग्री रख ली है। अगर आप चाहें तो बिना तड़के के भी इडली बना सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने राई ली है आधा छोटा चम्मच, उड़द की दाल ली है एक छोटा चम्मच, चने की दाल ली है एक छोटा चम्मच, अलसी के बीज लिए हैं एक छोटा चम्मच, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं, साथ में मैंने दो छोटे चम्मच जो है यहाँ पर मूंगफली कच्ची ली है। अब इन सबको मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर इसके साथ में मैं सूजी भी भूनूंगी ताकि सूजी का जो है वो कच्चापन निकल जाए। और ये तड़का लगने के बाद में सूजी और भी अच्छी खिली खिली बनती है, जब इडली बनाते हैं तो खिली खिली इडली बनती है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने दो छोटे चम्मच जितना नारियल का तेल डाला है। तेल थोड़ा गर्म होने पर मैंने मूंगफली डाल दी है और मूंगफली को मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मूंगफली का कच्चापन निकल जाए। याद रहे यहाँ पे मूंगफली को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन होने तक ही इसको मूँगफली को भूनना है। उसके बाद में तड़के की जो भी सामग्री रखी हुई है उन सबको डालकर इसके अंदर भून लूँगी। यहाँ पर याद रहे गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि चने की दाल और उड़द की दाल जो है वो जले ना। इसी तरीके से हिलाते हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को भूनना है आपको। इस तरीके से भूनने पर इवनली सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से भुन जाएंगे और इसमें कलर जो है वो सब में एक बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब ब्राउन हो गए हैं। अब इसी के अंदर मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, इसको भी मैं 30 सेकंड तक इसी तरीके से हिलाते हुए भून लूँगी। अब भुन जाने ये सब भी भुन चुका है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूँगी। सूजी को 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। याद रहे अगर आपने इसको करछी को ढंग से हिलाया नहीं, यानी कि स्पैचुला को अगर आपने हिलाते हुए नहीं रुके तो सूजी नीचे नीचे जल जाएगी। और हमें सूजी को सिर्फ इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो मीडियम फ्लेम पर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फ्लेम को लो कर दें। अब सूजी का कच्चापन निकल गया, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि आप देखेंगे कि सूजी जो है ना वो थोड़ी वाइट कलर की हो गई होगी, क्योंकि जब सूजी मार्केट से लाते हैं तो वो लाइट क्रीम कलर की होती है और जब उसको रोस्ट करते हैं कि उसका कच्चापन निकल जाए तो सूजी यहाँ पर वाइट कलर की हो जाती है। तो बस इसी स्टेज पर आकर हमने गैस को बंद कर देना है और इसको अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देना है। देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद हो गई है। यहाँ पर सूजी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर दही मिक्स करूँगी। तो दही मैंने सेम कटोरी के मेज़रमेंट से एक कटोरी दही ली है, अब वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी तक मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है, इसको भी मिक्स कर लेना है और सेम कटोरी के मेज़रमेंट से एक कटोरी पानी इसके अंदर मिक्स करना है। स्पैचुला की हेल्प से इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक थिक बैटर आपके पास में रेडी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये बैटर किस तरीके का हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है, बैटर इतना ही थिक रखना है। अब इसको 15 मिनट के लिए मैंने ढककर रख दिया है। 15 मिनट के बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, तो एक छोटे चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है
पानी मैंने साइड में इडली मेकर के अंदर रख दिया है, उसके अंदर मैंने नींबू की एक स्लाइस डाल दी है। अब यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिक्स कर रही हूँ, इसी के ऊपर मैं अब इसमें आधी कटोरी जितना पानी डालना है और स्पून की हेल्प से एक तरफ हिलाते हुए सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि 5 मिनट तक कर आपको इस तरीके से मिक्स करना है ताकि बैटर अच्छा सा फ्लफी रेडी हो जाए। अब मैंने इडली स्टैंड के अंदर ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है ताकि जब इडली बनकर रेडी हो तो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। अब आपको किसी स्पून या फिर आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इवनली बैटर सभी सांचे के अंदर डालना है, सभी सांचे में इवन बैटर आपको डालना है ताकि जब आपकी इडली बनकर रेडी होना तो एक ही साइज की निकले। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्कूप का यूज़ किया है। क्योंकि मेरे इडली स्टैंड के अंदर पानी मैंने साइड में ऑलरेडी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, वो मीडियम फ्लेम पर गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने डालकर कपड़े से ढक्कन को ढक करके इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। अब इडली को बाहर निकालने के बाद में ठंडा होने दें, फिर उसको नाइफ को ऑयल से ग्रीस करने के बाद में इस तरीके से हल्का हल्का नाइफ को प्रेस करते हुए निकालना है। आप देखेंगे सारी इडली अच्छे से निकल कर आ जाएगी। आप देख रहे हैं इडली को मैंने निकाल करके दिखाया है आपको, नीचे से बिल्कुल भी इडली चिपकी हुई नहीं है और इडली जो है वो फ्लफी है। इस तरीके से आप इडली बनाकर अपने परिवार के साथ खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।